हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर नाइन इट्स रेडिंग में एक स्टोरी एंड एक पोयम देखी थी अपू एट बनाना एंड क्लाउड सो अभी हमने जो क्लाउड्स पोयम देखी है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है सीन इन पोयम तो हमें पोयम के मुताबिक यहाँ पर आंसर्स देने हैं वॉट हैव यू सीन इन द क्लाउड्स क्या देखा हमने क्लाउड्स में तो क्लाउड्स हमने कौन से कौन से शेप्स के देखे ए डॉग ए डियर एन एलिफेंट ए हॉर्स एक्सेट्रा शेप्स के हमने क्लाउड्स देखे फिर डियर के शेप का राइट स्टूडेंट्स देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डू ऑल द क्लाउड्स डू सारे क्लाउड्स क्या करते हैं Clouds move swiftly across the sky in the rainy season. They sometimes cause thunder and we can see lightning. Clouds bring rain for us. तो so क्लाउड्स क्या करते हैं कभी कभी वो स्विफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह स्काई में फिर वो क्या करते हैं थंडर मीन्स की बिजली होती है बिजली कड़कती है और फिर हम बिजली के बिजली को चमकती हुई देखते हैं और फिर क्लाउड्स ब्रिंग रेन फॉर अस क्लाउड्स हमारे लिए क्या लाते हैं रेन लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू फील वैन इट रेन हाउ डू यू फील वैन इट रेन्स आपको कैसा लगता है जब भी रेन मीन्स की बारिश आती है तो आप कैसा फील करते हो आंसर इज आई फील हैप्पी वैन इट रेंस जब भी बारिश आती है तो हम कैसा फील करते हैप्पी देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर सीन अ रेनबो क्या आपने कभी रेनबो देखा है आंसर इज यस अगर देखा है तो अगर नहीं देखा है तो नो no. अगर देखा है तो येस आई हैव सीन ए रेनबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हेन कैन यू सी ए रेनबो आप लोगों ने रेनबो कभी देखा है आंसर इज वी कैन सी ए रेनबो व्हेन इट हैज़ जस्ट टॉप रेनिंग बारिश रुकने के तुरंत ही जैसे ही बारिश रुकती है उसके तुरंत बाद हमने रेनबो को देखा है ए रेनबो इज सीन इन द वेस्ट इन द मॉर्निंग एंड ईस्ट इन द इवनिंग वी कैन नॉट सी ए रेनबो इन द आफ्टरनून हम आफ्टरनून में रेनबो नहीं देख सकते हैं अगर हमने मॉर्निंग में रेनबो देखा है तो हमें कौन से डायरेक्शन में रेनबो देखेगा वेस्ट डायरेक्शन में अगर हमने इवनिंग में देखा है तो हमें रेनबो कौन से डायरेक्शन में देखेगा ईस्ट डायरेक्शन में देन नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ट हैपन्स वे नीट रिंग्स जब भी बारिश आती है तो क्या होता है सो आंसर इज वैन इट रेन्स देर इज वाटर ऑल अराउंड सारी जगह पे क्या आती है सारी जगह पे क्या हो जाता है पानी ही पानी हो जाता है रिवर्स स्ट्रीम्स एंड लेक्स ओवर फ्लो सब भर जाते हैं रिवर्स भर जाती है स्ट्रीम्स एंड लेक्स ऑल्सो रेन ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर एंड द एटमोसफियर बिकम्स कूल समर में जो टेम्परेचर होता है वो कैसा हो जाता है गर्म हो जाता है तो बारिश आने की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो कैसा हो जाता है वो डाउन हो जाता है और फिर जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो जाता है कोल मीन्स कि ठंडा हो जाता है द सन इज ओवर शेडो बाई क्लाउड्स एंड इट बिकम्स ए लिटिल डार्क और जो सन होता है वो क्लाउड से ढक जाता है और कैसा हो जाता है डार्क हो जाता है फ्रॉग्स स्टार्टेड क्रॉकिंग और फ्र तभी क्या करते हैं क्रॉकिंग करते हैं चिल्ड्रंस मेक पेपर बोर्ड्स एंड फ्लोट्स दैम इन दाटर और चिल्ड्रन क्या करते हैं पेपर बोर्ड बनाते हैं और उसको पानी में तैराते हैं ट्रीज एंड वेजिटेशन बिकम्स एंड लुक फ्रेश और ट्रीज और बाकी सारी वेजिटेशन कैसे दिखती है बहुत ही फ्रेश दिखती है ट्रीज एंड वेजिटेशन बिकॉम एंड लूक फ्रेश पिकॉक्स क्रीम्स जॉयफुल एंड फार्मर्स टू आर फील्ड विथ एवस ऑफ है जब भी बारिश होती है तो स्क्रीमिंग करते हैं और फार्मर्स हैप्पीली अपना जो भी फार्मिंग का काम होता है वो सब हैप्पीली करते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डू यू सी वेन इट रेंस वॉट डू यू सी वेन इट rains? जब बारिश आती है तो आप क्या देखते हो I can see lightning and hear thunder when इट्स रेन जब भी बारिश आती है तो हम क्या देखते हैं बिजली के चमकारे देखते हैं और जो बिजली कड़कती है उसका आवाज़ सुनते हैं I have seen people getting wet in the rain or walking under umbrellas to save themselves सेल्फ rain. क्या हो जाते हैं भीग जाते हैं बारिश में और वो लोग अम्ब्रेला के नीचे अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करते हैं अम्ब्रेला के नीचे चलते हैं आई हैव ऑल्सो सीन चिल्ड्रन मेकिंग पेपर बोट्स एंड फ्लोटिंग डैम एंड जम्पिंग अबाउट इन रेनी पुडल्स और फिर जो छोटे छोटे चिल्ड्रंस होते हैं बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं पेपर बोट बनाते हैं फिर उसको पानी में तैराते हैं और जो ओ, पानी के जो छोटे छोटे पडल्स होते हैं उसमें वो क्या करते हैं जंप करते हैं तो चिल्ड्रंस को बहुत ही मज़ा आती है राइट स्टूडेंट्स आप लोग ऐसा करते हो हाँ सारे बच्चे ऐसे करते हैं नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स वॉट डू यू सी इन द र्स क्लाउड्स के अलावा आप रेन में क्या देखते हो सो आंसर इज अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स वी कैन सी लाइटनिंग एंड हीयर थंडर वैन इट रेन्स तो क्लाउड्स के अलावा बादल के अलावा हम और क्या देखते हैं तो so, जैसे बिजली चमकती है फिर बिजली के जो कड़ाके होते हैं वह सब हम सुनते हैं ना रेनी सीजन में तो ये वैन इट रेन्स मेकिंग ए पेपर बोट्स एंड फ्लोटिंग डैम ऑन वाटर इज रियली फॉन इजेंट इट क्या रेनी सीजन में पेपर बोट बनाना और फिर उसको तैराना फ्लोट करना क्या बहुत ही मज़ा वाला काम है येस और नो स्टूडेंट्स आप लोगों को मज़ा आती है या नहीं आती है येस इट इज़ अ फन वर्क बहुत ही मजा आती है उसमें नेक्स्ट मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन वाटर तो आप लोग भी स्टूडेंट्स पेपर बोट बनाना और फिर उसमें उसको पानी के अंदर तैराना हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन्स हैव यू सीन एनी वन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू रेन्स ड्रॉ पिक्चर ऑन योर एक्सपीरियंस इन द रेन क्या रेनी सीजन में बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है अगर होती है आपने कभी देखा है तो आप वो पिक्चर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चैप्टर नंबर नाइन टेक्स्ट बुक में हमारा फिनिश हो रहा है वर्कबुक का पार्ट एंड हार्डवर्क उसके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स